हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बड़े परोपकारी संत अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर एक गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक राहगीर मिला। उसने संत से कहा कि मुझे अमुक गांव जाना है, थोड़ा साथ दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने उसकी बात को स्वीकारा और अपने घोड़े पर बैठा लिया। दोनों साथ साथ गाँव की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान दोनों में संवाद हुआ। राहगीर ने बोला, महाराज आप तो साधु महाराज हैं, आपको इस घोड़े का भला क्या काम। आपके ना बाल बच्चे, ना धंधा, ना व्यापार, आप तो संत हैं, आप इस घोड़े का क्या करेंगे। हम गृहस्थ हैं, घोड़े का अधिक उपयोग तो हमारे लिए है, इसलिए कृपया ये घोड़ा मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने बोला, ठीक है मैं तुम्हें ये घोड़ा दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपका गांव भी 3 मील दूर है। जब तक आपका गांव नहीं आता तुम्हें पूरे रास्ते केवल राम नाम जपना होगा, और अगर एक भी बार राम 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 छूटा तो मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दूंगा। यह सुनकर राहगीर खुशी से फुलाना समाया और सोचता है कि अच्छा पटान दिया, 10-15 मिनट की बात है और घोड़ा मेरा हो जाएगा। घोड़ा अपनी गति से चल रहा था और राहगीर का मन उससे तेज गति से चल रहा था। उसने सोचा, संत ने कहा है कि घोड़ा दूंगा, लेकिन लगाम की तो बात हुई नहीं। मुंह से राम राम बोल रहा है और मन में लगाम देंगे कि नहीं, राम राम लगाम देंगे कि नहीं। कुछ समय बाद आखिर उसने पूछ ही लिया कि महाराज आप घोड़ा तो दोगे, क्या लगाम भी दोगे। संत ने कहा, ज्ञानी अब ना घोड़ा मिलेगा ना लगाम, क्योंकि तुम सर हार गए हो। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये कहानी सिखाती है कि लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हैं, पर जिस समय जपने बैठते हैं उसी समय ध्यान लगाने की जगह दुनियादारी की सब बातें सोचते हैं, बाकी समय तो अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक धार्मिक कर्म ना माने, बल्कि उसे पाप काटने का एक अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकार करें। भावपूर्वक जपें, फिर देखिए कैसे अत्यंत चिंतन प्रभाव होता है। जीवन की दशा सुधारने के साथ आत्मा को उद्धार का भी मार्ग खुलेगा। अगर आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।